हम आपको दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक हादसा जो है वो हो जाता है। सुबह सुबह के समय जो है नेशनल हाईवे पर कुछ गाड़ियां जो है वो पलटा जाती है, जिसके बाद जो है एक गाड़ी रुकती है, उसके बाद एक से एक गाड़ी जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकरा जाती है। हालांकि हमने पुलिस के जो अधिकारी उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि गलती ट्रक ड्राइवर की थी, जो आगे आ जाता है उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरह से जाम लग जाता है सुबह के समय। लेकिन उसके बाद जो है जब इन गाड़ियों को उठाया गया, उठाने के बाद जब एक पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे पहुंचा, तो उसकी गाड़ी को जो उठाने की कोशिश की, उनकी बाइक जो है वो इस ट्रक के नीचे आ जाती है और पूरी तरह से ट्रक के नीचे से बाइक को निकालने की कोशिश की जाती है। हालांकि यहाँ पर एक और गाड़ी सामने में रखी है, जब इस ट्रक को निकाल रहे थे उस समय जो है ये ट्रक उस गाड़ी के ऊपर पलट जाता है। हालांकि यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। एक बड़ा ट्रक जो है यहाँ पर जिसके अंदर रेता बाजरी जो है वो रखी गई थी, इस समय निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जेसीबी मंगवाई गई है, उससे जो है इसके अंदर से रेता बाजरी रखी है उसको निकालेंगे। निकालने के बाद इस ट्रक को उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुबह के समय यहाँ पर जो है बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे जमा हुई थी, क्योंकि गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। टक्कर होने के बाद जो है यहाँ पर जो उसको हटाया गया है, लेकिन उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पुलिस की एक बाइक थी, राइडर की बात को तो राइडर यहाँ पे खड़ी थी, ये वो राइडर है पुलिस की, जिसको यहाँ से इसके नीचे जो है ट्रक के नीचे आ गई थी, उसको भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। पूरी तरह से राइडर टूट गई है, चकना चूर हो चुकी है, देख सकते हैं क्या कंडीशन बनी है। हालांकि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुबह के समय बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट वो हो जाता है दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी यहाँ पर मंगवा दी गई है, उठाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रक अभी भी बीच सड़क में नेशनल हाईवे पे पलटा गया है। सुबह के समय यहाँ पे जाम जरूर लगा हुआ था, लेकिन जाम पूरी तरह से खोल दिया गया है। यहाँ पर जो है क्रेन मंगवा दी गई है, अभी तक ट्रक जो है वो रोड के बीच साइड में ही खड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही ज्यादा भयानक हादसा जो है वो हुआ है, लेकिन किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से क्रेन मंगवा दी गई है, जेसीबी मंगवा दी गई है, एक गाड़ी और सामने में हम आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे कि शुक्र है कि इस गाड़ी के अंदर कोई था नहीं, किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पूरी तरह से गाड़ी भी जो है चकना चूर हो गया, जिस तरह से बाइक पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से चकना चूर हुई है, वैसे ही गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं आप। लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप गाड़ी की सिचुएशन देख सकते हैं, ड्राइवर भी यहाँ पर है, किस तरह से कितना भयानक हादसा जो है वो हुआ है। हालांकि ये सुबह के एक्सीडेंट के बाद जो है इस गाड़ी के हादसा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 3 से लेकर 4 गाड़ियां जो है वो टकरा गई थी नेशनल हाईवे पे। आप सभी को पता है अगर नेशनल हाईवे पर इस तरह से एक गाड़ी रुकती है, तो उसके बाद जो है अचानक से रुकने के बाद वो हादसा कितना बड़ा मोड़ जो है वो ले लेता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रेन जो है वो मंगवाई गई है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जो आते उनसे भी हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे कैसे हादसा हुआ, किस तरह से ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, एक बार ट्रक देख लीजिए किस तरह से ये ट्रक बहुत ही बुरी तरह से पलट गया है रोड के किनारे पर। इसको जो है इसको खाली किया जाएगा, खाली करने के बाद खींच के जो है इसको उठाया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो लोग भी अपनी कार्रवाई करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी यहाँ पर जरूर पहुंच सकते हैं। एक बार देख सकते हैं ट्रक का टायर जो है पूरी तरह से पंचर हो गया है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुबह के समय 5 से 6 गाड़ियां जो है वो टकरा जाती है नेशनल हाईवे पर। अगर जरा सी भी गाड़ी रुकती है तो पूरी तरह से जाम लग जाता है, सुबह के समय की बात बताई जा रही है। उसके बाद जो है एक तो पुलिस की जो है राइडर थी, पुलिस की राइडर इस ट्रक के नीचे आ जाती है, ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश जो है वो की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम आपको तस्वीरें जो है वो जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही भयानक हादसा जो है वो सुबह सुबह के समय जो है हो जाता है। नेशनल हाईवे की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे और इस साइड जो है ट्रक पलटा हुआ है नेशनल हाईवे की। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पे कितनी सारी गाड़ियां चलती है, और उस तरह से बताया जा रहा है कि 5 से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। लेकिन गनीमत रही है किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे जेसीबी मंगवा दी गई है पुलिस के द्वारा, वो लोग जो है सुबह से जब उन्होंने सड़क साफ की, सड़क को गाड़ियों को साइड लगाया, उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर की राइडर खड़ी हुई थी, राइडर रोड के बीच में खड़ी हुई थी, जैसे उसको ट्रक पर ट्रक को जो है चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, रोड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जो है वो राइडर, ये ट्रक जो है राइडर को अपने नीचे ले लेता है, उसके बाद जो है राइडर भी पूरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो जाती है।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लेकिन किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन जो है वो भी मंगवा दी गई है। किस तरह से कितना भयानक हादसा जो है वो होता है, सुबह सुबह का समय ये हादसा होता है। आप देख सकते हैं ट्रक का नंबर हम आपको बताना चाहेंगे, HR C8165 जो है ये ट्रक का नंबर है। कितना बुरा हादसा जो है वो हुआ है। सामने आपको कार देख सकते हैं, उस कार को भी जो है इस ट्रक ने अपनी लपेट में ले लिया था। इस ट्रक आप देख सकते हैं कि ट्रक का बहुत ज्यादा वेट है, और इस समय जो है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करी, लेकिन चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की बात करें तो वो सुबह के समय जाम लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है जल्द कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद जल्द से जल्द जो है नेशनल हाईवे को खोला गया, यहाँ पे क्रेन लगा दी गई है, यहाँ पे ट्रक जो है इसको निकालने की कोशिश करेगा, और क्रेन के साथ साथ जो है JCB भी मंगवा दी गई है हटाने के लिए। यहाँ पे लोग जो है वो सुबह के समय सुभा सुभा से सारे देख रहे हैं कि किस तरह से भयानक हादसा है, लेकिन अच्छी बात है किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप अगर इस तरह से नेशनल हाईवे पर या आप इस तरह से ड्राइव करते हैं तो बी सेफ ड्राइव करें, ताकि आपकी एक गलती की वजह से किसी की जान को कोई नुकसान ना हो, आपकी एक गलती की वजह से किसी की जान ना जाए, किसी का इतना बड़ा नुकसान ना हो। ध्यान से ड्राइव करें और स्पीड का कम से कम जो है वो ख्याल रखें, ताकि आपकी गलती की वजह से किसी की जान को नुकसान ना पहुंचे। और अपील करेंगे इस वीडियो को सबके साथ जरूर साझा कीजिए, ट्रक को जो है वो निकालने की जरूर कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ से ट्रक को जो है निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पुलिस वाले भी है, पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पुलिस के एक अफसर है, कि हादसा किस समय हुआ और कैसे हुआ, उनसे भी हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की भी कोशिश करेंगे कि सुबह के समय किस समय ये हादसा हुआ, उनसे हम जानेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं हालांकि हटाने की जरूर कोशिश की जा रही है, यहाँ से हटाया जाएगा ट्रक को। उसके बाद जो है यहाँ से सुबह सुबह के समय जो पूरी रोड जाम थी, लेकिन इस समय रोड ज्यादा जाम नहीं है, यहाँ से हटाने की जरूर कोशिश की जा रही है, हम पूछने की भी एक बार जरूर कोशिश करेंगे। सर किस समय ये हादसा हुआ? सुबह के टाइम यहाँ पर जाम लगा हुआ था, मैंने देखा यहाँ पर आया, मैं राइटर लेके अपने, तो तीन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक की वजह से हुआ है, यहाँ पर गाड़ियाँ सारी, तो मैंने उन गाड़ियों को वहाँ पर साइड में करवा रहा था, और जो एक गाड़ी इधर खड़ी थी तो ट्रेन पर आ रखी थी हाईवे थाने से, तो उसी टाइम अपना पीछे से एक ट्राला आया, हम इसको वाले साइड में उधर ले जा रहे थे, उधर साइड में तो ट्रेला आया, तो देखो ये रुके ही नहीं ट्रेला, तो मेरी राइडर पीछे खड़ी थी, उसको राइडर को भी चपेट में ले लिया इसने, और यहाँ पर लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे, तो हम भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई हमने, तो एक मौके से ड्राइवर फरार हो गया, तो बड़ी मुश्किल से अपना गलती तो ट्रक की थी, जब सारी ट्रैफिक रखवा रखी थी तो ये साइड में ना आया चल के, तो अपना सीधा राइडर पे और कार के ऊपर आके चढ़ गया, और हम भी एक मौके पर थे, हमने भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से ना जान सब बच गई है, राइडर का नुकसान ज्यादा हो गया, राइडर बिल्कुल बुरी तरह टूट गया, जिसके नीचे से हमने क्रेन के जरिए अपना उसको निकाला है, हाँ कार का भी नुकसान होया पीछे से, आगे तो पहले नुकसान हो रहा था उसका, और पीछे से भी अब जैसे ही ट्राला लगा नुकसान हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? लापरवाही है ट्रक वालों की, जब सारी ट्रैफिक वाले रखवा रखी, हम इसको साइड में कर रहे थे, तो इन्हें देखना चाहिए था भाई ट्रैफिक रुक रही है, तो इन्हें रुकी नहीं, या नशे में होगा या नींद में हो सकता है, वैसे भी ड्राइवर फरार हो गया मौके से, तो हमने पता नहीं इस टाइम पे। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो जाता है, जाम लग जाता है, जाम को खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं कि वो ट्रक को रोके, लेकिन वो ट्रक नहीं रोकता। हालांकि यहाँ पर एक और मामला जो है वो पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था, हिट